माई चैनल व्यूअर्स, आज हम आपको कुंदे और पल्ले वाली शलवार की कटिंग सिखाएंगे। तो ये कटिंग हम आपने बहुत ही चाहने वाले व्यूअर्स की फरमाइश पे करेंगे। तो जिन व्यूअर्स की हमसे ये फरमाइश थी, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी वीडियो को स्टार्ट से अंत तक ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप शलवार में बड़ा गेट पसंद करते हैं तो फिर आपका शलवार का पीस 3 गज होना चाहिए, लेकिन अगर आप छोटा या मुनासिब गेयर भी पहन लेते हैं तो फिर आपका शलवार पीस 2.5 गज में भी तैयार हो सकता है। तो ये हमारे पास शलवार का वो पीस है जो आमतौर पर लेडीज़ सूट के साथ बाज़ार से मिलता है। इसकी लंबाई 2.5 गज है और इसकी चौड़ाई 21 इंच है। बाद शलवार पीस की चौड़ाई इससे भी कम होती है, यानी 18 या 19 इंच होती है, तो फिर उस सूरत में आपके पास कपड़े की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ही आपका घेर मुनासिब हद तक बन पाएगा। पर सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से टर्न करके रखा है, तो हम इसको खोल देंगे और यहाँ से हम शलवार की लेंथ लेने के बाद पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ 1/2 इंच एक साइड से पांचवे की सिलाई के लिए छोड़ेंगे और हमारी शलवार की लेंथ है 38 इंच, तो हम यहाँ 2 इंच नेफे के लिए एक्स्ट्रा लेते हुए 40 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह हम दूसरी साइड में भी नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए 40 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशान से पकड़ के हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ से पल्ले की कटिंग करेंगे। पल्ले की कटिंग कर ली है। पल्ले की चौड़ाई यहाँ से 8 इंच होनी चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ से 8 इंच लेने के बाद यहाँ से जो फोल्डेड साइड है यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा पल्ला यहाँ से 8 इंच है, तो अब हम यहाँ से कपड़े को कट कर देंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब ये हमारे पल्ले रेडी हो चुके हैं, अब हम कुंदे की कटिंग करेंगे। फिर जब हम बाकी कपड़े को पल्ले के साथ इस तरह से सेट करेंगे और जितनी लेंथ हमने पल्ले की ली थी उतनी ही लेंथ हम कुंदे की लेंगे और यहाँ से कुंदे की लेंथ पल्ले के साथ बराबर करते हुए यहाँ पे हम 2 इंच का इस तरह इस साइड पर निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ पे कट लगाएंगे। व्यूज, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बड़ा गेयर पसंद करते हैं तो फिर यहाँ पे आसन के लिए आपके पास एक्स्ट्रा लेंथ होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा 2.5 गज है तो फिर हमें आसन को यहाँ सेंटर से कट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ ये 2 इंच का निशान पे हम इस यहाँ पे कट लगाएंगे। एक साइड पे हमने यहाँ पे कट लगाया है, इसी तरह हम दूसरी अपोजिट साइड पे कट लगाएंगे। तो हमने जिस साइड में कट लगाया था इसको हम डन करने के बाद दूसरी साइड पे कर देंगे और अब यहाँ इस साइड में पल्ले को सेट करने के बाद यहाँ पे हम पल्ले को सेट करेंगे और यहाँ पे जो हमने पहला निशान लगाया था अपोजिट साइड में यहाँ पे हम बिल्कुल पल्ले की लेंथ के बराबर हम यहाँ पे 2 इंच लेने के बाद यहाँ भी निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम निशान लगाने के बाद कट लगाएंगे।
तब हम यहाँ एक कट से दूसरे कट तक निशान लगा के भी इस तरह से सेंटर से कुंदे की कटिंग कर सकते हैं। और इन दोनों कट्स को इस तरह से टर्न करने के बाद भी हम यहाँ सेंटर से कुंदे की कटिंग कर सकते हैं। अब हम यहां सेंटर से कट करेंगे। यूं हमने कुंदे और पल्ले को सेट कर लिया है। अब हम यहां आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन की कटिंग के लिए हम तकरीबन 18 या 19 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से 2 इंच नेते में जाएगा और 16.5 इंच आसन तैयार होगा। तो इसलिए हम यहाँ 19 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन की कटिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने आसन की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ कुंदे का जो टर्निंग वाला पार्ट है इसको भी कट कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हमारी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। व्यूअर्स, हमने कुंदे और पल्ले वाली शलवार की कटिंग को मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।